गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू साइंस स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर 10 एयर हवा। वी रीड इन लास्ट क्लास एयर एंड सो इन दिस क्लास आई रीड रिमेनिंग चैप्टर। सो अभी तक हम लोगों ने रीड किया था एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है वो स्थान घेरती है। एयर हैज वेट, एयर में वेट होता है, वजन होता है। और स्टॉर्म क्या होता है। सो अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एयर। एयर के यूजेस क्या हैं। सो एयर इज़ यूजफुल इन मैनी वेज। एयर जो है वो हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी होती है। फर्स्ट है एयर इज़ नीडेड टू कीप द फायर बर्निंग। एयर की हेल्प, हवा की हेल्प से ही आग जलती है। फायर बर्निंग तो आग जलती है, अगर हवा ना हो तो फायर आग नहीं जलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसका प्रैक्टिकल करके, एक कैंडल लेना और उसको जला के और एक कांच के बर्तन से उसको ढक के रख देना, थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो आग भी नहीं जलेगी। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स नीड टू एयर। अब ये तो सभी जानते हैं, ह्यूमन बीइंग मानव और जो एनिमल्स होते हैं उन सभी को सांस लेने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एयर मूव्स द ब्लेड्स ऑफ ए बाइंड मिल। बाइंड मिल होती है पवन चक्की, उसके जो ब्लेड होते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, इनको घूमने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। एयर मेक्स द पैराशूट टू कम डाउन स्लोली। अच्छा, जो पैराशूट होता है ना, हम लोग जब ऊपर से नीचे के लिए आते हैं एक बलून टाइप का, उसमें दो रस्सियाँ सी लगी होती हैं, आप उसको पकड़ के धीरे धीरे नीचे आते हो, तो उसमें भी आवश्यकता होती है किसकी, एयर की। आगे एयर हेल्प्स बोट टू सेल। अच्छा, एयर की हेल्प से ही नाभिक जो है वो बोट चलाते हैं। आगे एयर हेल्प्स इन ड्राइंग क्लॉथ्स। और एयर की हेल्प से हमारे जो कपड़े हैं वो ड्राई सूखते हैं। एयर इज़ फिल्ड इन बाइसिकल ट्यूब एंड स्विमिंग ट्यूब। जो साइकिल का ट्यूब होता है और स्विमिंग ट्यूब है, इन सभी में एयर ही भरी होती है। नेक्स्ट है एयर हेल्प्स इन फ्लाइंग ए काइट। एयर की हेल्प से आप क्या करते हो, पतंग को उड़ाते हो। एयर हेल्प्स ए ग्लाइडर एंड एरोप्लेन एंड ए हेलीकॉप्टर टू मूव। और एयर की हेल्प से ग्लाइडर होता है जो बिना इंजन वाला हवाई जहाज, एरोप्लेन होता है हवाई जहाज, और हेलीकॉप्टर, ये सभी एयर की हेल्प से उड़ते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग थिंग्स। द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ईच आर रिटन फॉर यू। नीचे फर्स्ट और लास्ट लेटर दिया गया और आपको ये स्पेलिंग लिखनी है। सो फर्स्ट है पैरासूट। पैरासूट की स्पेलिंग, एक सेकेंड रुकना, यहाँ नेक्स्ट है, ये देखो ये पैरासूट था, ये सेल बोट है एंड बलून। सो स्पेलिंग ये रही पी ए आर ए सी एच यू टी ई पैराशूट एंड सेल बोट एस ए आई एल बी ओ ए टी सेल बोट और बी ए डबल एल डबल ओ एंड बलून। ओके, सो होमवर्क में है आपका, आप इस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे, ये जो आज रीड किया है, ओके, एंड ये आप फिल कर लेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश।